2021 का 10वां मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। आरसीबी के लिए खराब शुरुआत रहा। कप्तान विराट कोहली केवल 5 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में राहुल त्रिपाठी को कैच देकर आउट हुए, लेकिन देवदत्त पाडिकल मैक्सवेल के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाए। वे 28 गेंदों में 89.29 स्ट्राइक रेट के साथ दो चौके की मदद से 25 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में राहुल त्रिपाठी को कैच देकर आउट हुए। विराट कोहली के बाद उतरे रजत पाटीदार केवल 1 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल जबरदस्त खेल खेलकर अपना अर्धशतक पूरा करके 49 गेंदों में 78 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में हरभजन सिंह को कैच देकर आउट हुए। देवदत्त पाडिकल का विकेट गिरने के बाद उतरे एबी डिविलियर्स जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा करे और वे अजय रहे के 34 गेंदों में 76 रन बनाए। मैक्सवेल के बाद उतरे जामीसन एबी डिविलियर्स के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर 4 गेंदों में 275 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके और एक छक्के की मदद से 11 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी हरभजन सिंह द्वारा शुरुआत रहा। हरभजन सिंह अपने 2 ओवर में 4.50 इकोनॉमी रेट के साथ 9 रन दिए। वही वरुण चक्रवर्ती शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए और उन्होंने 39 रन दिया, जो कि बहुत एक्सपेंसिव रहा। शाकिब अल हसन 2 ओवर डाल के 12 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए। पैट कमिंस अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विकेट मैक्सवेल का लिया। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने पाडिकल और एंड्रू रसल 2 ओवर डाल के 19 इकोनॉमी रेट के साथ 38 रन दिए। एबी डिविलियर्स शानदार बल्लेबाजी करके मैक्सवेल के साथ 53 रनों की साझेदारी बनाए और साथ ही जामीसन के साथ भी अच्छी साझेदारी निभाए। वे 34 गेंदों में 223.53 स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 76 रन बनाकर अजय रहे। ग्लेन मैक्सवेल जबरदस्त बल्लेबाजी करके 49 गेंदों में 159.18 स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 78 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में हरभजन सिंह को कैच देकर आउट हुए। वे शुरुआत से ही कमाल का बल्लेबाजी किए। वे गेंद को सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे और शॉट पे शॉट लगाए। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और यह उनका आईपीएल में 8वां अर्धशतक है। वे पहले देवदत्त पाडिकल के साथ 94 रनों की साझेदारी बनाए, फिर एबी डिविलियर्स के साथ 53 रनों की साझेदारी बनाकर टीम स्कोर को एक मजबूत स्थिति पर लाए। वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 9.75 इकोनॉमी रेट के साथ 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने विराट कोहली और रजत पाटीदार का विकेट लिया। देवदत्त पाडिकल शुरुआत से ही धीमी गति से खेल रहे थे। वे मैक्सवेल के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 28 गेंदों में 89.29 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 25 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में राहुल त्रिपाठी को कैच देकर आउट हुए। 205 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत शानदार दिखाए। नीतीश राणा शुरुआत से ही धीमी गति से खेल रहे थे। वे शुभमन गिल के साथ 25 रन और राहुल त्रिपाठी के साथ 34 रनों की साझेदारी बनाए। वे 11 गेंदों में 163.64 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर युवराज चाहल की गेंदबाजी में देवदत्त पाडिकल को कैच देकर आउट हुए और शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करके नीतीश राणा के साथ 23 रनों की साझेदारी बनाए। वे केवल 9 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर जामीसन की गेंदबाजी में
सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी क्रिस्टियन को कैच देकर आउट हुए। हालांकि उन्होंने शानदार शुरुआत दिया। गिल के बाद उतरे राहुल त्रिपाठी भी अच्छी बल्लेबाजी किए। उन्होंने 20 गेंदों में 5 चौके की मदद से 25 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कप्तान यॉन मॉर्गन अच्छी वापसी किए। वे तेज गेंदों में 29 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में कोहली को कैच देकर आउट हुए। नीतीश राणा के बाद उतरे दिनेश कार्तिक केवल 2 रन बनाकर युवराज चाहल की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे शाकिब अल हसन यॉन मॉर्गन के साथ मिलकर पारी को संभालते हुए खेल रहे थे। वे 25 गेंदों में 104 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके और एक छक्के की मदद से जामिसन की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। यॉन मॉर्गन के बाद उतरे एंड्रू रसल शानदार शुरुआत दिए। वे 20 गेंदों में 31 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। शाकिब अल हसन के बाद उतरे पैट कमिंस केवल 6 रन बनाकर जामिसन की गेंदबाजी में एवी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। पैट कमिंस के बाद उतरे हरभजन सिंह 2 गेंदों में 2 रन बनाकर अजय रहे और वरुण चक्रवर्ती 3 गेंदों में 2 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 38 रनों से जीत हासिल किए और साथ ही RCB ये सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल किए। RCB ने गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज से शुरुआत किया। मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 5.67 इकोनॉमी रेट के साथ केवल 17 रन दिए। जामिसन 3 ओवर में 13.67 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट लिए लेकिन सबसे ज्यादा 41 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। युजवेंद्र चाहल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वाशिंगटन सुंदर अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने राहुल त्रिपाठी। मैक्सवेल 2 ओवर डाल के 12 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन दिए और हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट लिए। हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 4.25 इकोनॉमी रेट के साथ केवल 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने यॉन मॉर्गन और एंड्रू रसल। एंड्रू रसल इस सीजन में पहली बार अपने बल्ले का जादू दिखाए। वे आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी किए लेकिन अपने टीम को जीत नहीं दिला पाए। वे 20 गेंदों में 155 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे शाकिब अल हसन के साथ 41 रनों की साझेदारी बनाए। युजवेंद्र चाहल पहले 3 ओवर में 2 विकेट लेकर केवल 14 रन दिए थे लेकिन उनके आखिरी ओवर में रसल ने 1 छक्का और 3 चौके लगाए और वे 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ अंत तक 34 रन दिए और उनके शिकार बने नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक। कप्तान यॉन मॉर्गन पिछले 2 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म खेले लेकिन इस मैच में शानदार वापसी भी किए और उन्होंने 23 गेंदों में 126.09 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में विराट कोहली को कैच देकर आउट हुए। वे शाकिब अल हसन के साथ 40 रनों की साझेदारी बनाए।